सीएम साजिश और सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों को पलटिए, आरोपों के साए में सियासत के कई किस्से आपको मिल जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप, सियासत की वानगी के बीच कई बार चेहरों पर चस्पे हुए। उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में कैसे आरोप लगाए गए, लेकिन आरोपों को सिद्ध करना सियासी दलों के लिए मुश्किल हो गया। या फिर यूं कहें कि कुछ चेहरे जिन पर आरोप लगाए वो सत्ताधारी दल के साथ हो चले, लेकिन आरोपों के इतर सबूत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज आरोपों का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? वैसे भी राजनीति में कहा जाता है कि आरोप लगाने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती, हिट एंड रन, हिट एंड रन। लेकिन यहां सियासत में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप के साए में कोई और नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। आरोप कौन लगा रहा है? विपक्ष लगा रहा है। आरोप क्या लगाए जा रहे हैं? आरोप सुरा को लेकर है, सुरा यानी शराब को लेकर। खटीमा, पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा की सीट। अब आरोप क्या है विपक्ष के? आरोप ये कि खटीमा में एक उद्योगपति के साथ मिलकर धामी जी बियर की फैक्ट्री लगा रहे हैं, विपक्ष का आरोप है। और इस आरोपों को लेकर खटीमा से लेकर देहरादून की सियासत में सियासी तूफान के संकेत मिल रहे हैं। संकेत यह भी मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में खटीमा के भीतर जो बियर फैक्ट्री लगाने का जिक्र किया जा रहा है, इन तथ्यों में कितना दम है यह तो खुद आरोपों का जवाब सीएम साहब देंगे। लेकिन इन आरोपों में सत्यता के इतर संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में खटीमा के भीतर यह बियर फैक्ट्री को लेकर सियासी संग्राम देहरादून के सियासी गलियारों में गूंज सकता है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मैं अपने मेहमानों की तरफ रुक करूं, लेकिन उससे पहले आपको उन आरोपों का, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप कौन लगा रहा है, किससे लगा रहा है और क्यों लगा रहा है वो समझिए। और फिर उसके बाद देहरादून के सियासी गलियारों से कुछ बयान आए हैं इस पूरे विषय को लेकर, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आरोप विपक्ष ने और खासतौर पर स्थानीय नेता जो खटीमा के हैं वो लगा रहे हैं कि सीएम साहब बियर की फैक्ट्री लगा रहे हैं। और बीजेपी नेता कह रहे हैं ये बियर की फैक्ट्री नहीं है, इत्र, इत्र ये यूपी वाला इत्र नहीं है, उत्तराखंड में भी इत्र की एंट्री हो गई है, ये सियासी इत्र। अब क्या कारनामा दिखाएगा उत्तराखंड में, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन पहले ये बयान सुनिए और फिर उसके बाद देहरादून के बयान सुनाऊंगा आपको। लेकिन पहले जो आरोप लगाए गए हैं वो बयान सुनिए। उत्तराखंड नशे की गिरफ्त में आज कोई देखने वाला नहीं है। भाजपा के लोग ये कहते हैं कि बियर पिए युवा और पकौड़ा खाए, माँ बाप कह जाएंगे उनके बियर फैक्ट्री। अभी आपने भाजपा के नेताओं से पूछा क्या विकास हुआ, उन्होंने कहा बियर फैक्ट्री खटीमा में लगा दी है। कहाँ लग रही है बियर फैक्ट्री? खटीमा फाइबर्स में लग गई है, बियर फैक्ट्री लग गई है। खटीमा फाइबर्स की फैक्ट्री वो रस्तोगी जी है, आरसी रस्तोगी जी, राकेश कुमार रस्तोगी जी, उनकी तो फैक्ट्री बियर की लग रही है। मां आप मुख्यमंत्री का ले रहे क्यों? नहीं, उनको लाइसेंस इशू किया गया अभी आप ही के समय में। आप ये देखिए वहाँ अन्नारी अंबानी और यहाँ पे आरसी रस्तोगी, जब भी मुख्यमंत्री जी खटीमा आएंगे तो सीधे आरसी, अरे रुको तो, सीधे आरसी रस्तोगी क्या है, उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा वहीं रहेंगे। तो ये यहाँ पर इस समय उनको संरक्षण दे रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वहाँ अडानी अंबानी या रस्तोगी जी ले कह रहे हैं, ना बियर वाली कहानी क्या, बियर फैक्ट्री वाली? पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, बियर की फैक्ट्री भी रोजगार है, रोजगार है खटीमा में। खटीमा में कोई फैक्ट्री रोजगार है कि जहां पर मजदूर काम करेंगे, जहां से राजस्व की प्राप्ति होगी वो रोजगार ही। खटीमा शराब भट्टी बंद क्यों नहीं करवाते हैं लोग, शराब भट्टी क्यों नहीं? खटीमा में चार चार पांच पांच शराब भट्टी है, शराब भट्टी चल रही है। और दूसरी चीज, ये जिस बियर की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जिस उद्योगपति का नाम ले रहे हैं, वो इत्र की फैक्ट्री है। आप वहां जाइए, इत्र की फैक्ट्री बनाते हैं, बियर नहीं बनाते, बियर फैक्ट्री भी। सुनने में ये आया कि बियर की फैक्ट्री लग चुकी है, अब यह बहुत इकट्ठा कर रहे हैं माल की, जब इलेक्शन जीतेंगे बाद में सबको बियर पार्टी करेंगे। अच्छा, बियर पार्टी करेंगे चुनाव जीतने के बाद? जी जी जी,
उसी के लिए वो लगी हुई है, इसलिए अभी उसकी ओपनिंग नहीं हुई है। अच्छा, जिस जगह पे वो फैक्ट्री लगी है बदनाम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इत्र की फैक्ट्री आप बदनाम कर रहे हैं। दिखा दीजिए ना, हम चलते हैं वहाँ पर, अगर वहाँ पर इत्र बन रहा है दिखाइए कौन सा इत्र बन रहा है, हम भी खरीद के लाएंगे, हम भी लगाएंगे, इससे बड़ी और क्या बात। तो ये आरोप दरअसल उस वक्त के हैं जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम खटीमा पहुंची थी। खटीमा मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट, खटीमा नेपाल के साथ बॉर्डर टच होता है हमारा, और यहां से मुख्यमंत्री चुनाव जीत कर आते हैं। लेकिन इस बार जब हम वहां पर पहुंचे अपना खास कार्यक्रम करने के लिए किस्सा कुर्सी का, तो वहां की आवाम ने और खास तौर पर विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि सीएम साहब बियर की फैक्ट्री लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं यह बियर की नहीं इत्र की फैक्ट्री है। कुछ कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि फैक्ट्री लगा रहे हैं तो दिक्कत क्या है, इससे रोजगार मिलेगा। अब खटीमा की यह खबर देहरादून पहुंच चुकी है, देहरादून के सियासी गलियारों में तूफान खड़ा हो रहा है। अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले देहरादून से आए कुछ बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा, सुनिए जरा। ऐसा जानने में आया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा क्षेत्र खटीमा में एक बियर फैक्ट्री खोलने का मन बना चुके हैं। ये वही लोग हैं साथियों, प्रदेश की जनता को बताना चाहती हूँ, जिन्होंने भांग की खेती को लेकर हो हल्ला मचाया था, जिन्होंने डेनिस के ऊपर हो हल्ला मचाया था, और अब धर्मनगरियों में तक ये फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं। शराब की फैक्ट्रियाँ खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं, दुकानें खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं, और एक तरफ आप देखिए बेरोजगारी का दंश ये प्रदेश झेल रहा है, तो युवाओं को नशे की गिरफ्त में करने की मंशा भाजपा की दिखाई पड़ती है। ताकि उत्तराखंड में दुर्भाग्य यह है कि जितने मुख्यमंत्री हुए उन्होंने शराब के प्रचलन को बढ़ावा दिया, जहां एक तरफ हरीश रावत जी ने हिल टॉप तो वहीं दूसरी ओर डडवा भंडाली में शराब की फैक्ट्री लगा के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवनगरी को कलंकित किया। अब उसी पदचिन्हों में आगे चलते हुए धामी जी अपने क्षेत्र में शराब फैक्ट्री लगा रहे हैं, जिसका भारी विरोध हो रहा है। हम यही जानना चाहते हैं, क्या शराब की फैक्ट्रियों से ही भाजपा और कांग्रेस लोगों को रोजगार देगी? इसके आगे भी कुछ सोच है? कभी कहते हैं भांग की खेती करो तो कभी शराब फैक्ट्री की ओर, लेकिन ये देवभूमि है, हम यही कहेंगे इसको कलंकित करना बंद कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि सारे विषयों का विचार करने के बाद, गहनता से विचार करने के बाद ही कोई निर्णय दिया जाता है। अगर कोई निर्णय वहाँ लिया गया है तो सारे पक्षों का विचार करके ही वो निर्णय लिया गया होगा। नहीं देखिए, जो लोग पसंद नापसंद करते हैं तो उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। लोगों को अपने विरोध करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, शासन उनकी बात सुनता है, समझता है, उनका निराकरण करता है, तब आगे बढ़ता है निर्णय को। तो लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ आपको बता दें आज इस चर्चा में शामिल होंगे, चेहरे आपके सामने होंगे, सीमा हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि सीमा डोरा प्रवक्ता है बीजेपी की, और साथ साथ अमनदीप हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस के, चेहरे हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राजू मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। खटीमा हम गए थे, खटीमा माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र, खटीमा में हमने, क्योंकि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में लगभग अधिकतर सीटों पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम जाकर ग्राउंड जीरो पर तमाम कार्यक्रम कर चुकी है, और जब मैं खुद वहां पर पहुंचा तो खटीमा में विपक्ष ने यह आरोप लगाया जो आपने सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्योगपति साथी के साथ एक बियर की फैक्ट्री लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरकार सीएम साहब तो कह रहे हैं कि नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन सीएम साहब जो है बियर की फैक्ट्री लगा रहे हैं। सीमा जी, ये तथ्य है क्या, सच्चाई है क्या? सर, आपने अभी खुद ही बोला कि आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं मतलब प्रूव नहीं हुआ, सिद्ध कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप नहीं लगाएंगे तो चुनाव जीतेंगे, जीतने के बारे में सोचेंगे कैसे? उनको चुनाव जीतने के बारे में सोचना है खाली, चुनाव तो जीत ही नहीं सकते, लेकिन अगर सोचना भी है तो भी अब ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहे हैं धामी जी, तो धामी जी पर आरोप ही लगा दिया जाए, उनको ब्लैकलिस्टेड करवा दिया जाए, उनको दुनिया लोगों को गलत फहमी डलवा दीजिए, वैसे भी इनका काम ही यही है।
अच्छा वो इत्र की फैक्ट्री है या बियर की फैक्ट्री है जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपने पता किया कुछ? इत्र की है या बियर की फैक्ट्री है? नहीं, बियर की तो नहीं है सर, और इत्र के बारे में भी अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन बियर की नहीं हो सकती, आपको ये कंफर्म है? बिल्कुल जी। अच्छा तो ये आरोप लगा क्यों रहे हैं इस तरह के, बदनाम करना चाह रहे हैं सीएम साहब को? कह रहे हैं कि कोई आरसी रस्तोगी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आरसी रस्तोगी साहब हैं जिनके यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी लैंड करता है सीएम साहब का। देखिए मित्र तो कोई भी किसी का हो सकता है, कोई बुराई थोड़ी ना है, कोई उद्योगपति मेरा भी मित्र हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आरसी रस्तोगी जी के यहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करता है और उन्हीं को ही जो है लाइसेंस भी जारी हुआ और बियर फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं सीएम साहब। अब बताइए इस तरह के आरोप, मैं नहीं जानता आरोपों में कितनी सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं बस। जी ये मैं आपको बोल रही हूँ कि जब इलेक्शन आते हैं तो अब विकास के मुद्दे ये उठा नहीं सकते, क्योंकि निरंतर विकास हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा निरंतर ये प्रयास करती रहती है कि किस तरीके से विकास के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए जाएं। और कल भी मोदी जी आए, 17,500 करोड़ की दे गई परियोजनाएं। अब इनको ये लगता है कि बदनाम कैसे करा जाए, तो सबसे पहले अब मुख्यमंत्री, क्योंकि इन सबके पास तो चेहरे ढंग के ही नहीं, अब मुख्यमंत्री हमारे अच्छा काम करे पुष्कर सिंह धामी जी, उनके लिए कोई भी अगेंस्ट उनके नहीं बोलता तो उनके ऊपर यही दोषारोपण कर देगा जो बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एक एक पिछली बार जब मुख्यमंत्री के नाम से आप लोगों ने एक नाम जारी किया था, कहा था ये हरदा ब्रांड है, वो याद है आपको? हरदा ब्रांड, वो आरोप थे, वो की सच्चाई थी वो? अगर ये आरोप है तो वो आरोप थे या सच्चाई थी जो आपने जारी किया था कि देखिए हरदा ब्रांड है, हरदा ब्रांड? नहीं आप, मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब आप लोग गए थे, आप ने वहां पे देखा तो आपको कुछ लगा कि सचमुच बियर की फैक्ट्री वहां पे कुछ दिखा, बियर जैसी चीज दिखी या कुछ ऐसा दिखा कि आप कह सको कि बियर की फैक्ट्री है? कि सभी झूठ बोल रहे हैं, अगर आप ही बता दीजिए ना। नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आरोप 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 सच्चे हैं या झूठे हैं वो तो आप ही मैडम बता सकती है ना, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ सकता हूँ कि ये आरोप कौन बदनाम करने की साजिश रख रहा है सीएम साहब को, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सीएम साहब को बदनाम करने की साजिश हो रही है ना ये, कि बताइए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो खटीमा में जो है बियर फैक्ट्री खोल रहे हैं, ये आरोप बेबुनियाद है तो उसको आप लोग खारिज करेंगे? मैं तो ये जानना चाह रहा था बस आपसे, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल खारिज करेंगे, जो समय आने पे अगर हमें जरूरत भी पड़ी तो हम उसको प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ सुना नहीं, बोलते रहते हैं लोग, अब क्या बोलूं मैं। ओके राजू मौर्य जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैडम कह रही है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब माननीय सीएम साहब देखिए इतना विकास कर रहे हैं, मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं, जो 4.5 साल में नहीं हुआ वो अंतिम कुछ महीनों में करके दिखा रहे हैं वो, और आप लोग इस तरह बौखला रहे हैं और बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सीएम साहब को, आपका जवाब? जी जी मान्यवर, बहुत सुंदर विषय पर आपने चर्चा आज रखी है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस विषय पर चर्चा के लिए। मैं इस डिबेट के माध्यम से बताना चाहता हूं आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस, पहले तो कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस के हरीश रावत जी ने हमको उत्तराखंड की देवभूमि को कलंकित करने के लिए पहला दाग दिया डेनिस का, और उसके बाद आरोपों की बात है तो मेरी बहन कह रही है कि आरोप तो लगा लेते सिर कैसे करेंगे। संगम स्थली देवप्रयाग में, संगम स्थली देवप्रयाग में, अरे इन्होंने वो करके दिखा दिया जो इतिहास में कभी नहीं हो सकता। इन्होंने शराब की फैक्ट्री लगा दी डडवा भंडाली में। शर्म करनी चाहिए भाजपा के लोगों को, शर्म करनी चाहिए। हिल टॉप ब्रांड पे लिखा होता है देवप्रयाग, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप बोलते हो हमने विकास किया है, आपने देवभूमि को कलंकित किया है, और एक बार कलंकित नहीं किया है, आप बार बार कलंकित करते हो। आप देवभूमि में गंगा जल को से वाटर प्लांट की बात नहीं करते हो आप लोग, आप लोग करते हो शराब फैक्ट्री की बात, गंगा के जल से शराब फैक्ट्री में शराब बना रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या बात करते हो आप हिंदुत्व की बात करते हो, लेकिन हिंदुत्व के सबसे बड़े धार्मिक स्थल संगम स्थली में आपने शराब की फैक्ट्री लगाई। अब ये तो आरोप नहीं है ना, ये तो लगाई है, ये तो आपने लगाई है। और अगर आपको विश्वास ना होता हो तो आप ही के समाचार पत्र बता देंगे, टीवी चैनल बता देंगे, नहीं तो बाजार में किसी वाइन शॉप पे चले जाइए और हिल टॉप नाम की शराब ले लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ है टीडी गढ़वाल देवप्रयाग। ये तो झूठा आरोप नहीं है,
अरे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो फैक्ट्री लगा दी संगम स्थली में, अब जवाब दीजिए आप। सीमा जी सुना आपने, ये कह रहे कि सबूत के साथ में बात दावा कर रहा हूं, आपने देवप्रयाग में जो है शराब की फैक्ट्री लगा दी, खटीमा में तो छोड़िए, आप जवाब दीजिए फिर अमनदीप जी आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए उद्योग लगाने के लिए कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हमने कोई मंदिरों के पास कुछ नहीं करा, आप अपनी सरकार के बारे में बात करिए। ना 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 ये उद्योग है, आपने शराब ना 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 शराब 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 को आप उद्योग से जोड़ रहे हैं। 25 नहीं मेरी बात सुनिए, 25 साल था इनका शराब पीने की उम्र, जो इन्होंने 21 साल कर दी है, पिंक बार लगा दिया इन्होंने वहां पर दिल्ली में, और क्या बात कर रही है युवाओं को, युवाओं दिल्ली देवनगरी नहीं है, दिल्ली देवनगरी नहीं है, हम गोवा की बात नहीं कर रहे हैं, गोवा में शराब खुली बिकती है, बाहर बीच में बिकती है, हम गोवा की बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तराखंड देवभूमि की बात कर रहे हैं, देवभूमि संगम स्थली में आपने शराब की फैक्ट्री लगाई है, उसका जवाब दीजिए आप। आपने कितने वाटर प्लांट लगाए बताइए आप, आपने कितनी टी इंडस्ट्री लगाई है बताइए आप, आपने शराब की फैक्ट्री लगाई है, मैं कह रहा हूं आपसे तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हमारी सरकार ने शराब की फैक्ट्री देवप्रयाग में लगाई, आज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चैनल पर। बहुत कुछ और भी करा है हमारी सरकार ने, बहुत कुछ, ये तो किया, शराब फैक्ट्री लगाई ना, शराब फैक्ट्री लगाई ना, जब मैं जब आप प्रूफ कर लेंगे तो मैं देख लूंगी, अभी तो मैं नहीं देख पा रही। प्रूफ नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप मेरे साथ चलिए डडवा भंडाली, अब चावला जी मैं क्या कह सकता हूँ, फैक्ट्री लगी है सामने है सब कुछ, कह रहे हैं प्रूफ कीजिए आप। सीमा जी मैं तो बात कर रही हूँ कि हम लोग निरंतर कर रहे हैं काम इस पे, आप ऑर्गेनिक के ऊपर देख लीजिए, आप नहीं नहीं आप कह रही हैं के ऊपर देख लीजिए, आप सड़कों के ऊपर देख लीजिए। नहीं सीमा मैडम, आज मेरे पीसीआर सहयोगी परेशान हो रहे, कह रहे कि सीमा मैडम तो बहुत गरजती हैं, आज आवाज मध्यम मध्यम आ रही है, चक्कर क्या है, मध्यम मध्यम आवाज गर्जने के टाइम में, गर्जने के टाइम में गर्जूंगी भी, लेकिन जब अच्छा। ऐसी बातें करेंगे तो क्या करूं बताइए। हाँ बताइए, ऐसी बातें कर रहे हैं राजू जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा राजू जी ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। अमनदीप जी बताइए, कल तक आप भांग की खेती की वकालत किया करते थे, मतलब आप मतलब जो थे भांग की खेती की वकालत करते थे तो बीजेपी वाले नाराज हो जाते थे, फिर एक इन्होंने लॉन्च किया कि हरदा ब्रांड, वो याद है आपको हरदा ब्रांड, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ये कहते थे कि देखिए हरदा ब्रांड है, पूरे उत्तराखंड में हरदा ब्रांड के नाम से फेमस हो गया, और आज आप लोग बदला ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बदला ले रहे हैं ये कहते हुए कि खटीमा में मुख्यमंत्री जी बियर की फैक्ट्री लगा रहे हैं। सीमा जी कह रही है उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, वो बियर की फैक्ट्री नहीं है, वो इत्र है, इत्र, वो इत्र यूपी वाला नहीं है, वो यूपी वाला ही उत्तराखंड वाला इत्र है। बोलिए अमनदीप जी। देखिए ऐसा है कि जो अभी सीमा जी ने बताया, इन्होंने तो खुद ही बोल दिया कि ये तो व्यापार है, उद्योग है, देवप्रयाग की अगर बात की गई तो इन्होंने तो तुरंत बोल दिया कि हमने बहुत फील्ड में काम किया है, और विपक्ष धामी जी को परेशान करने की और एक क्या बोलते हैं उसे मैं बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए आपने खुद ही वहां पे ये रिपोर्ट दिखाई है और वहां की जनता ये बोल रही है, अगर एक साइड की बात नहीं की जाए, खटीमा की बात नहीं करते हैं, दूसरी जगह की बात कर लेते हैं, उत्तरकाशी में बहुत लंबे समय से कच्ची शराब का व्यापार हो रहा है, जहां जिस जनपद में अपना अबकारी विभाग ने भी छापेमारी की और नहीं, मेरे सहयोगी ने भी बताया कच्ची शराब बरामद हुई, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी कि खटीमा में आप लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं, आरोप का कोई आधार तो होना चाहिए ना, फिर तो यही वही बात हुई, वो हरदा ब्रांड बोलते थे आप धामी ब्रांड बोलेंगे, कोई आरोप तो होने, आरोप को सिद्ध तो करेंगे ना आप लोग, ऐसा नहीं है। आपके नेता वहां चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, एक व्यापारी का नाम लिया जा रहा है वहां पर, आप एक व्यापारी का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है सीएम साहब का, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात। बोलिए अब देखिए, अगर जी वो बात बिल्कुल सही है, अगर व्यापारी का नाम लिया जा रहा है, अगर उनके नाम पे टेंडर पास हुआ है, इसका मतलब वहाँ फैक्ट्री भी लगेगी। अब आप एक बात बताइए, सीमा जी कह रही हैं कि ये अगर देवप्रयाग की बात की गई तो ये कहते हैं कि ये व्यापार है, ये उद्योग है, ठीक है, और इतर की, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दो पहलू हैं, एक तरफ तो भाजपा के लोग कहते हैं कि इत्र की फैक्ट्री है, और सीमा जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है,
तो ये चीजें दो पहलू से जुड़ रही हैं। अगर देखिए, अगर आपकी सरकार, भाजपा सरकार विकास कर रही होती तो हम भी बोलते कि हाँ प्रदेश में विकास हो रहा है, लेकिन विकास दूर दूर तक नहीं है। और ये कोई बदनाम करने का फैक्टर नहीं है, वहां की जनता परेशान होगी, वहां की जनता की आवाज है। अगर ये वो आवाज देहरादून तक पहुंच गई तो यहाँ आके ये कह रहे हैं कि हमारे, हमें इस चीज का संज्ञान नहीं है, ये इत्र की फैक्ट्री है, ये बियर की फैक्ट्री नहीं है। अरे जिस व्यापारी के नाम पे टेंडर हो रखा है, जिस व्यापारी के यहाँ पे आपके धामी जी रुकते हैं, तो क्या वो फैक्ट्री आने वाले, ये तो वही बात हो गई कि जब लग जाएगी तब पता लग जाएगा। तो ये देवभूमि के अंदर ये तरीके की, इस तरीके का जो व्यापार, मैं सीमा जी से कहना चाहूंगा कि आप इस चीज का व्यापार, जो आपने ये उद्योग बोला, अभी पूरा पूरा शब्द इन्होंने अभी बोला उद्योग किया, तो ये व्यापार ये बंद कर दीजिए देवभूमि के साथ। और ये चाल चलन जो भाजपा सरकार कर रही है, कह रहे हैं कि ये व्यापार बंद कर दीजिए, वो कह रहे हैं ये वाले उद्योग मत लगाइए, जब खुले ही नहीं तो बंद क्या कर दें, जब खुला ही नहीं है ये प्रूफ तो कर नहीं पा रहे। मैं तो कहा प्रूफ कर दो, बथेरे उद्योग लगाए हम लोगों ने भी, मैं ये कह रही हूँ प्रूफ कर दीजिए, आप प्रूफ कर दीजिए, आप मुझे ये बताइए खटीमा के अंदर, आप सुनिए, आप खटीमा के अंदर, अगर मैं ऑर्गेनिक खेती को कोई जानता नहीं था, उत्तराखंड को मुख्यमंत्री जी के अवार्ड मिला विधानसभा की बात कर लूं, तो कौन से आपने वहाँ पे स्कूल खोल दिए, कौन से आपने वहाँ पे जनता के लिए अच्छे कार्य कर दिए, क्या कर दिया आपने वहाँ? आज आप कोई कहता है बियर की फैक्ट्री तो कोई कहता है इतर की फैक्ट्री, आप बोलती है मुझे संज्ञान ही नहीं है इस चीज का। तो साफ तौर से भाजपा के आधे लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और आधे लोग कह रहे हैं वहां पर कुछ लिखा नहीं, बोर्ड नहीं लिखा हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ है, तब तक क्या बोले? किसी ने बोला जब लग जाएगी तब बोलेंगे, कोई बोला जब लग जाएगा तब लग जाएगी तब बोलेंगे, तब लड़ लीजिएगा, आके बोलेंगे, तब लड़िएगा ना, अभी क्या बोल रहे हैं? जब कुछ है ही नहीं तो क्या बोल लग जाएगी तब बोलेंगे? अभी मैं बोल देती हूँ, जब लग जाएगी तब आप बोलेंगे कि व्यापारी हैं। घर में आपने लगा रखी शराब की फैक्ट्री, आप मान जाओगे? मैं प्रूफ नहीं कर पा रही हूँ ना, जब तक प्रूफ नहीं चीज जब लग जाएगी, जिस आरसी रस्तोगी जी का नाम लिया जा रहा है, जिनके नाम पे टेंडर है या इस चीज, तो वहाँ पे जब वो लगा लेंगे तब आप बोलेंगे की अब लग गई, अमनदीप जी आके देख लीजिए फैक्ट्री लग चुकी है? मैं क्यों ही बोलूंगी, जब लगेगी नहीं तो कैसे बोलूंगी? नहीं लगी ना अभी, अभी भाजपा के आधे लोग कह रहे हैं कि ये इत्र की फैक्ट्री है, आप कहते हैं मुझे संज्ञान नहीं है, आधे तो लोग छोड़िए ना, आपने भाजपा के किसी ने ये बोला आप कि लग गई है, लग गई बोला, लग गई बोला, अभी बोला बोल दिया, किसी ने बोला, ये बोल रहे थे, किसी ने बोला, ये बोल रहे थे, आप ये बोल रहे थे कि धामी जी विकास कर रहे हैं, धामी जी ये कर रहे हैं। अरे आप आज जितनी चीजें, ये 4.5 साल चुप बैठ के और ये अपना चुनावी माहौल बनाने के लिए आप जो अब अपनी अपनी भर्तियां और ये चीजें निकाल रहे हैं, ये मात्र और मात्र चुनाव के लिए निकाल रहे हैं, ये मात्र और मात्र देश की जनता को, हमें मिर्ची नहीं लग रही है, हमें मिर्ची नहीं लग रही है, मैं अभी भी ये कह रहा था मिर्ची नहीं लग रही है, बर्दाश्त हमें बर्दाश्त है, सीमा जी नाराज मत होइए, सीमा जी, अमनदीप जी, मैं तारीफ कर देता हूँ आपकी इस प्रकार से जी। सीमा जी एक मिनट, अमनदीप जी आराम से, राजू मौर्य जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि खटीमा में मुख्यमंत्री जी बियर फैक्ट्री खोल रहे हैं, उनके करीबी उद्योगपति उनके साथ हैं, आप देवप्रयाग का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता कि आप लोगों को सबूत रखने चाहिए? सियासत में ऐसे आरोप तो हरीश रावत पर भी लगे, उससे पहले भी लगे, देख हर बार लगे, आपका विभाग में कितने आरोप लगे? देखिए चावला जी, जो मैं देवप्रयाग की बात कर रहा हूं, आपके चैनल पर मैं दावा के साथ कह रहा हूं, दावा नहीं है, गारंटी खुली हुई है, डडवा भंडाली देवप्रयाग में, डडवा भंडाली गांव है, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर शराब की फैक्ट्री है, और मैं अगर ये साबित ना हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं दावे से कह रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं, डोईवाला विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, मैं पर्चा वापस भरूंगा भी नहीं अगर वहां फैक्ट्री ना निकली तो। देखिए मेरी बहन कह रही है कि अगर जब खुलेगी तब बोलना, मैं कह रहा हूं देवप्रयाग के डडवा भंडाली में शराब की फैक्ट्री है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में लगी है ये फैक्ट्री, अब आप पहले जाकर उस पर ताला लगाइए। भाजपा के लोग जो अध्यात्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो इसका जवाब दे कि संगम स्थली देवप्रयाग में, देखिए गंगा के किनारे तो वैसे भी ड्राई एरिया है,
आप लगा रहे हो शराब फैक्ट्री गंगा के किनारे, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। देखिए कुआं वाला में, देखिए आप कुआं वाला में एक शराब फैक्ट्री है और उस शराब फैक्ट्री की वजह से बाला वाला नकरौंदा तमाम आसपास के क्षेत्र में इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है। और यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी विधायक है, आपने क्या किया क्षेत्र की जनता के लिए? आपने ये रिहायशी इलाके से ये शराब की फैक्ट्री शिफ्ट नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपको चंदा मिलता है, आप पैसे के गुलाम हैं। आपको पता है कि पैसे के बल पे हमने चुनाव लड़ा है। आपने कहा, इसीलिए आप शराब के कारोबारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। राजू जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरे आरोप को, आरोप जो है वो बेबुनियाद साबित हुए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं डोई वाले से पर्चा वापस ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोबारा दोहराइए अपनी बात को। ये मैं कहता हूं, अगर देवप्रयाग के डरवा मंडाली में शराब की फैक्ट्री ना निकली तो राजू मौर्य राजनीति से संन्यास ले लेगा और कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेगा। डोईवाला में भी जो लड़ने की बात कर रहा हूं, मैं पर्चा दाखिल नहीं करूंगा अगर शराब की फैक्ट्री ना निकली वहां पे। सीमा जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं राजू जी? जी ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर फैक्ट्री ना निकली तो, मैं पर्चा नहीं भरूंगा डोईवाला विधानसभा में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अगर वहां पे फैक्ट्री नहीं निकली तो। ये आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूं, अब आपके सामने ही है, बोलिए आप। इनका भी दावा देखते हैं कितना कितना सच साबित होते हैं। नहीं आपको भी, आप मैंने कमिटमेंट किया है, आपको भी कमिटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप वहां फैक्ट्री निकली तो भाजपा से त्याग पत्र देकर के आपको या तो घर बैठना होगा या आम आदमी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। अगर आप सच्चे हो, आपको अपनी पार्टी की नीतियों पे भरोसा है तो आप बोलिए कि हाँ मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लूंगी, नहीं तो घर बैठ जाऊंगी अगर वहां शराब फैक्ट्री निकली तो। आप बोलिए, आम आदमी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगी। चलिए चलिए मत कीजिएगा, घर बैठ जाइएगा, इतना बोल दीजिए कि राजनीति छोड़ दूंगी, मैं घर बैठ जाऊंगी। तो राजनीति मैं लड़ने तो के मतलब लिए मतलब करिए, मतलब ठीक है आप तो राजनीति क्यों छोड़ू, भाजपा को तो ठीक है मत छोड़िए। इसका मतलब यही है, इसका मतलब आप लोग जो उत्तराखंड है इस भूमि शराब की फैक्ट्री लगाते रहेंगे। आप बताइए, आप यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री क्यों डेवलप नहीं कर रहे? यहाँ के पहाड़ बंजर पड़े हैं, वहां पर क्यों नहीं डेवलप हो रही है? कहाँ डेवलप हो रही है? कहाँ डेवलप हो रही है? अरे फिल्म नहीं बननी। आप लोग इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, ये शोर शराबा करने से क्या हासिल होगा? अगर सीना ठोक के एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप में से किसी भी राजनीतिक दल के अंदर हिम्मत है तो मेरे इस सवाल का जवाब दे दे। आप लोग कह रहे हैं अमनदीप जी सत्ता में आएंगे, सीमा जी कह रहे हैं सत्ता में आएंगे, राजू जी कह रहे हैं तीसरा विकल्प बन के हम सत्ता में आएंगे। आज यहां से ऐलान कर दो कि सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी कर देंगे उत्तराखंड में। है किसी राजनीतिक दल के अंदर हिम्मत है? किसी राजनीतिक दल के अंदर हिम्मत है? अपने घोषणा पत्र में डालिए। आपके राष्ट्रीय चरण, आप कह रहे हैं राजू जी, राजू जी आप कह रहे हैं इन्होंने धंधा बना दिया, इन्होंने व्यापार बना दिया, तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप अपने घोषणा पत्र गारंटी जो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं ना आकर, दिल्ली से मुख्यमंत्री जी, उनको बोलिए एक गारंटी देहरादून में आकर दें कि मेरी सत्ता आई तो पूरे उत्तराखंड में शराब बंद कर दूंगा और फिर पूछूंगा रेवेन्यू कहां से लेकर आओगे आप। बोलिए करेंगे, देखिए बोलिए राजू जी करेंगे। देवनगरी, बिल्कुल देवनगरी में जहां भी आवश्यकता होगी सब जगह शराबबंदी करेंगे, आवश्यकता होगी करेंगे, क्योंकि हो गया ना, जिन जगहों पर हो गया ना राजू जी, तभी कह रहा हूँ आरोप आप लोग लगा रहे हैं लेकिन सच्चाई क्या है वो भी स्वीकार करिए। आवश्यकता नहीं है, देखिए पूरे उत्तराखंड में आवश्यकता नहीं है, लेकिन हरिद्वार बियर बार बनाया पिंक, यहाँ पे कौन सा बनाएंगे? रेड बियर बार। अरे आप तो गंगा से शराब बना रहे हो, पहले अपनी बात करो ना, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि गंगा के किनारे शराब फैक्ट्री लगाएंगे, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। आपने जो डडवा बंडाली फैक्ट्री लगाई है उसे बंद कराएंगे हम, कुआं वाला में फैक्ट्री आपकी बंद करवाएंगे, जो हरिद्वार के अंदर अवैध शराब की तस्करी होती है मदन कौशिक जी के क्षेत्र में उसको बंद करवाएंगे। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड साफ कर दो, लेकिन जो गंगा पहले मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि खटीमा में बियर फैक्ट्री खोल रहे हैं, अब आप प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके क्षेत्र में अवैध कारोबार चल रहा है शराब का। बिल्कुल चल रहा है, आरोप लगाइए, हिट एंड रन, हरिद्वार जाइए, फिर केजरीवाल जी वाली पॉलिसी, हिट एंड रन, नो
कोई टंडन नहीं है मान्यवर, सच्चाई है। इस उत्तराखंड को इन्होंने, अमनदीप जी, उत्तराखंड को भाजपा कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है, भाजपा कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। और ये आबकारी नीति हमेशा से सवालों के घेरे में रही, लेकिन इस बार आरोप गंभीर लगा रहे हैं। अमनदीप जी, खटीमा में बियर फैक्ट्री खुल रही है नहीं खुल रही, कौन खोल रहा है कौन नहीं खोल रहा? आप लोग खटीमा का अगर कोई भी कारोबार करेगा, कोई भी बियर फैक्ट्री भी खोल लेगा, तो आप उसे मुख्यमंत्री से जोड़ देंगे, क्यों? ऐसा नहीं है कि कोई भी फैक्ट्री खोल लेगा और उसको हम मुख्यमंत्री जी से जोड़ देंगे। देखिए, जिस प्रकार से जो उनके क्या नाम है उसका, आर सी रस्तोगी जी की जो बात हो रही है, अब ये तो उनके तालुकात उनसे है इसलिए इस चीज के लिए बोला गया। अभी ये एक ये बात मैंने पहले भी कही थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर सरकार इस चीज पे नहीं, अगर ये बियर फैक्ट्री नहीं खोली जा रही है या किसी का नाम नहीं आ रहा है, तो भाजपा के ये लोग ये क्यों कह रहे हैं जी हम इतर फैक्ट्री लगा रहे हैं, सीएम साहब इतर फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये लोग? ये ऐसा नहीं है कि कोई भी खोलेगा और हम कोई भी ऐसी चुनावी माहौल बनाने के लिए उनपे उंगली उठा देंगे जी इन्होंने किया, चाहे वो किसी भी विषय पे बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो सरकार किसी भी चीज में। अभी सीमा जी ने कहा कि आपको मिर्ची लग रही है, आप हमारी तारीफ कीजिए, हमने विकास किया। मैं सीमा जी से पूछना चाहता हूँ, हमें मिर्ची नहीं लग रही है, हम प्रदेश की जनता की आवाज पे आगे आपके सामने आपके लोगों के आगे रख रहे हैं, और अगर आपने विकास किया होता तो आज शायद आपका विकास प्रदेश उत्तराखंड के अंदर धरातल पे नजर आता, तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप योजनाओं पे योजनाएं 2017 के मैंडेट में भी, 2017 के मैंडेट में भी लाए थे, आपके पास एक ही चीज होती है, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। 2017 के मैंडेट में आप लोग जुमले लाए थे, वो जुमले आज तक आप पूरे नहीं कर पाए। अब आप नए जुमले चुनावी माहौल बनाने के लिए फिर ला रहे हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री आपके प्रदेश उत्तराखंड में आके क्या देवभूमि की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं? आप देवभूमि, आप तो ऑल वेदर रोड की बात भी करते थे, आप तो ऑल वेदर रोड की बात भी करते थे, हमें धरातल हमें नहीं दिखता, हमें नहीं दिखता, हमें धरातल पे नहीं नजर आता है, हमें धरातल पे नहीं नजर आता है। बस ये विकास की बात भी आती है। सीमा जी मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, अमनदीप जी अब देखिए, चिल्लम चिल्ली करेंगे तो फिर वो हरदा ब्रांड ले आएंगे, अच्छा लगता ना, वो हरदा ब्रांड याद दिला देंगे, हरदा ब्रांड भूल गए कि याद है आपको वो हरदा ब्रांड? ऐसा नहीं है, देखिए, नहीं नहीं मुस्कुराइए मत, मैं एक बात कह रहा हूँ सीमा जी, देखिए ऐसा है, मैं एक चीज सीमा जी, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए ना आप, एक मिनट सीमा जी, आरोप सच्चे हैं झूठे हैं, ये आरोप राजनीतिक हैं या इसमें कुछ सच्चाई है? किस उद्योगपति के साथ मुख्यमंत्री का नाम जोड़ा जा रहा है? देखिए, तो बदनाम करने की कोशिश हो रही है ना आपकी नजर में सीमा जी, तो आपको लगता है कि इस पर सरकार को सफाई देनी चाहिए कि ये आरोप बेबुनियाद है, ये आरोप निराधार है? खटीमा में कोई बियर फैक्ट्री नहीं लग रही, अगर लग रही है तो उसमें सीएम साहब का कोई लेना देना नहीं, बेवजह इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। कल को देहरादून के गलियारों में ये सवाल उठने लगे जो आज खटीमा की जनता पूछ रही है, तो फिर दिक्कत तो होगी ना सीमा जी, ये तो बदनाम कर देंगे ऐसे। मैं तो कह ही रही हूँ, मैंने तो सबसे पहला बात यही बोली, कहीं मुख्यमंत्री कोई बियर की फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं, ये कैसे साबित करेंगे? मैं सिरे से खारिज कर रही हूँ, आप शासकीय प्रवक्ता से कल कहवा दीजिए कि कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन कौशिक जी से कहवा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, फिर राजू जी बोल ही नहीं पाएंगे, राजू जी फिर ये बोल नहीं पाएंगे कि मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, मैं डोई वाले से चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम राजनीति करेंगे नहीं, ये बियर की फैक्ट्री लगा रहे हैं, ये देवप्रयाग में शराब का ठेका खोल रहे हैं। अब बताइए, इस तरह के आरोप लगाएंगे, लालछन लगाएंगे सरकार पर, तो आप लोग क्या मुंह दिखाएंगे चुनाव में? मेरी चिंता ये है, ये गरजने वाले बादल है, बरसते नहीं है, कोई बात नहीं, चंडीगढ़ में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, उत्तराखंड में भी दिखाएंगे कितना गरजते हैं। कोई बात नहीं, ये गलत फहमी कई बार दूर कर दी हमने, करेंगे उत्तराखंड में भी गलत फहमी दूर करेंगे आपकी, अभी चंडीगढ़ में करिए, दिल्ली में कई बार करिए, आपको यहाँ भी दिखाएंगे, नहीं यहाँ भी दिखाएंगे। अच्छा चलिए, शराब फैक्ट्री पर एक बात थी, रैंक वन पेंशन हो गई, अब इनको लग रहा है बचा ही कुछ नहीं है, करेंगे आप, चलो सीमा जी कर लेते चेहरा अच्छा, क्योंकि सीमा जी अच्छे चेहरे है ही नहीं। अच्छा सीमा जी, एक बात तो बताइए, जो ये पहाड़ों पर मोबाइल वैन से शराब
शराब की दुकानें चलती हैं मोबाइल वैन से, इस पर क्या करेगी आपकी पार्टी? चलिए अभी सरकार में आप हैं, अभी बाद में तो फिर आप बोलेंगे हमें मौका नहीं मिला, क्या बंद करवाएंगे मोबाइल वैन से शराब की सप्लाई जो है पहाड़ों पर? कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेस भी चलाती थी मोबाइल वैन, आप भी चलाते हो, क्या अपनी पार्टी की तरफ से आप जनता को, जो देवभूमि की जनता है, उसे ये विश्वास दिलाओगे कि भाई जो मोबाइल वैन से शराब की सप्लाई होती है, जो वैन्स है ये, तो वो बंद होंगी? मैं इस तरीके का कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे सकती। कमिटमेंट मतलब होती रहेगी, जिनके लोग नहीं होती रहेगी, कोई लोगों की डिमांड होगी तो वो थोड़ी बहुत पूरी होती है। ऐसा कोई फैक्ट्री तो नहीं लगाई ना वहाँ पे, आप ये बताइए ना। नहीं फैक्ट्री तो बता ही चुका हूँ, फैक्ट्री तो बता चुका हूँ, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जरूरी है पार्टी जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जरूरी है, विद्यालय जरूरी है, कॉलेज जरूरी है, उद्योग जरूरी है, शराब का उद्योग जरूरी नहीं है। शराब का उद्योग कितना जरूरी है उत्तराखंड में, इसके इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो बहुत सारे किस्से हैं मैडम इसके पीछे। उस शराब नीति से बहुत कुछ जुड़ जाता है। कभी इसका विरोध खंडूरी जी ने भी किया सत्ता में आए तो। अरे माननीय, ये तो शराब के इतने प्रेमी हैं कि जब कोर्ट ने पाबंदी लगा दी नेशनल हाईवे पर कि शराब की दुकानें नहीं होंगी, बार नहीं होंगे, तो उन्होंने सारे स्टेट हाईवे घोषित कर दिए नेशनल हाईवे को। इतने प्रेमी है ये शराब के कारोबार के। ये तो कहते हैं भांग की खेती करो, शिक्षा आपसे कम है, आपसे आपको तो बच्चों को पिलाने के शौक। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, देखो आप तो बहुत आपने देखो गोवा में, फिर मैं आप दिल्ली की बात करोगे तो हम गोवा की बात करेंगे, नहीं दिल्ली की बात करोगे तो गोवा की बात करेंगे। दिल्ली और गोवा मत जाओ, उत्तराखंड की बात करो, हम उत्तराखंड में रहते हैं। दिल्ली देवभूमि नहीं है, दिल्ली देवभूमि नहीं है, दिल्ली में बद्री केदारनाथ नहीं है, दिल्ली में गंगोत्री यमुनोत्री नहीं है, दिल्ली में हरिद्वार नहीं है, आप भूल रही है, आप भूल रही है, आप कहां दिल्ली की बात कर रही है उत्तराखंड के अंदर। फिर मैं कहूंगा गोवा चला जाऊंगा, गोवा में तो ठेलों में बिकती है शराब, और आपकी पार्टी की सरकार है। फिर देखिए दूसरे राज्य की बात कीजिए, अपने मैं काम करूंगा। एक मिनट, अरे गोवा गए नहीं, एक मिनट, आप गोवा गए नहीं है। देखिए आरोप लगा रहे हैं आप लोग, अमनदीप जी मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप तब भी सिद्ध नहीं हुए थे जब हरीश रावत का आरोप लगाते हुए उन्होंने ब्रांड जारी कर दिया था, हरदा ब्रांड है ये। आज भी आरोप लगा रहे हैं, आप लोग मुख्यमंत्री का नाम घसीट रहे हैं। खटीमा में बियर फैक्ट्री लगी नहीं लगी, उनका हाथ है या नहीं है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर पा रहे। मैं दोबारा से वो आरोप सुनाता हूं जो आरोप लगाए गए। मैं दोबारा से अपने सहयोगी से चाहूंगा कि उन आरोपों को एक बार फिर से हम सुनाएंगे और फिर उसके बाद आवाज तेज कर देगा चावला जी। आवाज नहीं, बिल्कुल सुनाई नहीं दिया क्या? अच्छा, सुनाई नहीं दिया मैडम को। मैं चाहूंगा कि सीमा जी को ऑडियो जाना चाहिए जो आरोप खटीमा में विपक्ष लगा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्योगपति साथी के साथ बियर की फैक्ट्री लगा रहे हैं, और कुछ बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये बियर की नहीं इत्र की फैक्ट्री है। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, जो जानते हैं उनको बताना चाहिए हकीकत क्या है, क्योंकि विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा खटीमा में जब हम लोग पहुंचे ये जानने के लिए कि खटीमा का कितना विकास हुआ। किस्सा कुर्सी का कार्यक्रम करने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर लगातार जा रहे हैं और जनता का प्रेम भी मिल रहा है। गढ़वाल के बाद हम कुमाऊं गए थे और कुमाऊं में जब हम खटीमा विधानसभा सीट तक पहुंचे यानी कि नेपाल बॉर्डर तक, तब क्या कुछ कहा खटीमा में विपक्ष ने जो आरोप लगाए वो सुनिए एक बार फिर से। भाजपा के नेताओं से पूछा क्या विकास हुआ, उन्होंने कहा बियर फैक्ट्री खटीमा में लगा दी है। कहाँ लग रही है बियर फैक्ट्री? खटीमा फाइबर्स में लग गई है, बियर फैक्ट्री लग गई है। खटीमा फाइबर्स की फैक्ट्री, वो रस्तोगी जी है, आरसी रस्तोगी जी, राकेश कुमार रस्तोगी जी, उनकी तो फैक्ट्री बियर की लग रही है। मां आप मुख्यमंत्री का ले रहे क्यों? नहीं उनको लाइसेंस इशू किया गया अभी आप ही के समय में। आप ये देखिए वहाँ अंडारी अंबानी और यहाँ पे आरसी रस्तोगी, जब भी मुख्यमंत्री जी खटीमा आएंगे तो सीधे आरसी, अरे रुको तो सीधे आरसी रस्तोगी, क्या है उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा वहीं रहेंगे, तो ये यहाँ पर इस समय उनको संरक्षण दे रहे। ये कह रहे हैं कि वहाँ अडानी अंबानी या रस्तोगी जी ले कह रहे हैं, ना ना बियर वाली कहानी क्या, बियर फैक्ट्री वाली? पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, बियर की फैक्ट्री भी रोजगार है, रोजगार है खटीमा में, खटीमा में कोई फैक्ट्री रोजगार है कि जहाँ पर मजदूर काम करेंगे, जहाँ से राजस्व की प्राप्ति होगी वो रोजगारी। खटीमा शराब भट्टी बंद क्यों नहीं करवाते हैं लोग, शराब भट्टी क्यों नहीं? खटीमा में चार चार पांच पांच शराब भट्टी है, शराब भट्टी चल रही है। और दूसरी चीज, जिस बियर की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जिस उद्योगपति का नाम ले रहे हैं, वो इत्र की फैक्ट्री है।
आप वहाँ जाइए, इत्र की फैक्ट्री बनाते हैं, बियर नहीं बनाते, बियर फैक्ट्री भी। सुनने में ये आया कि बियर की फैक्ट्री लग चुकी है, अब यह बहुत इकट्ठा कर रहे हैं माल की, जब इलेक्शन जीतेंगे बाद में सबको बियर पार्टी करेंगे। अच्छा, बियर पार्टी करेंगे चुनाव जीतने के बाद? जी जी जी, उसी के लिए वो लगी हुई है, इसलिए अभी उसकी ओपनिंग नहीं हुई है। अच्छा, जिस जगह पे वो फैक्ट्री लगी है आप बदनाम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इत्र की फैक्ट्री आप बदनाम कर रहे हैं। दिखा दीजिए ना, हम चलते हैं वहाँ पर, अगर वहाँ पर इत्र बन रहा है दिखाइए कौन सा इत्र बन रहा है, हम भी खरीद के लाएंगे, हम भी लगाएंगे, इससे बड़ी और क्या बात। तो आरोपों के साय में माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी। सीमा जी, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, उनका कहना यह है कि ये इत्र की फैक्ट्री नहीं खुल रही, ये सीएम साहब के आदेश अनुसार उनके करीबी उद्योगपति जिनका नाम लिया जा रहा है वो कह रहे हैं कि उनके यहां पर बियर की फैक्ट्री खुल रही है, बियर की फैक्ट्री, बियर की फैक्ट्री। अब आप जवाब दीजिए, जिनका ये नाम ले रहे हैं ना कि वो उन्हीं के साथ आते हैं हेलीकॉप्टर में, वो पार्टी के जितने भी हेलीकॉप्टर जाते हैं वो उन्हीं के थ्रू जाते हैं, ऑफिशियल उनका ऑफिस है हमारे बीजेपी में, उन वो उस जितने भी नेता वगैरह जाते हैं वो उन्हीं के साथ है, उसका नाम लेना जरूरी नहीं उनके साथ, सीएम के साथ। आप बताइए, ये बेवजह नाम तो घसीट रहे हैं है ना, तो इसको लेकर एक प्रूफ जारी कर दीजिए ताकि राजू जी की बोलती बंद हो जाए, मैं चाह रहा हूं, और अमनदीप जी बोल नहीं पाए, वो ये सिद्ध नहीं कर पाए जैसे आपने सिद्ध कर दिया ना, वो हरदा ब्रांड, हरदा 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 हरदा। अब ये कल को ये मोर्चा खोलते यूथ कांग्रेस के हैं, वैसे भी ये यूथ कांग्रेस वाले वैसे भी बहुत तेज होते हैं, कल को ये मोर्चा खोलते और कहें कि मुख्यमंत्री जी ने जो है बियर की फैक्ट्री खोल दी खटीमा में, और देहरादून के परेड ग्राउंड और गांधी पार्क तो वैसे ही 2 गज दूर है इनसे, गांधी पार्क में जाकर धरने पर बैठ गई यूथ कांग्रेस, फिर क्या करेंगे आप, फिर क्या करेंगे सीमा जी? सच्चाई सामने आई जाती है बोलने दीजिए ना, जो बोलता है जो सच है वो सच ही। बैठ जाओ मनदीप जी, ये कह रहे हैं हिम्मत है तो बैठ जाओ, वैसे भी गांधी पार्क दूर नहीं है, घंटाघर से आगे निकलते नहीं है आप लोग, अगर बैठ सकते हो तो बैठ के दिखा दो गांधी पार्क के बाहर, बैठो जवाब मिल जाएगा। बियर की फैक्ट्री आपको आप प्रूफ कर रहे हैं तो फिर तब करेंगे ना, आप जब कह दिया कि नहीं हो रही बियर की फैक्ट्री नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? बोलो अमनदीप जी, बाहर बैठने की तो जगह ही नहीं है वैसे भी, गांधी पार्क में धरने पर बैठोगे, चेतावनी दे रहे हो, यूथ कांग्रेस के नेता हो, हम चेतावनी भी दे देते हैं, क्या चेतावनी दे रहे हो बताओ? मैं देता हूँ, क्या आपके अगर ये जो अभी सीमा जी ने बोला ना कि मतलब आप प्रूफ करके दिखाइए, जिस दिन ये प्रूफ हो गया उस दिन हम मोर्चा खोलेंगे इसके खिलाफ, और आज भी खोल रहे हैं, गांधी पार्क के बाहर धरना तो दे नहीं सकते, आपने कहा गांधी पार्क के बाहर बैठे, हाँ गांधी पार्क राजपुर रोड पे ऑफिस है और सामने गांधी पार्क है आपके, वहां तक बैठ नहीं सकते धरने पर? बात सुनिए, बिल्कुल बैठेंगे अगर ये चीज गलत, देखिए और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि इनके शासनकाल में इतना विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है कि अभी भी गांधी पार्क के बाहर खाली जगह नहीं है, वहां पे आज भी लोग धरने में बैठे हैं, मुझे मालूम है, कांग्रेस के लोग नहीं है, मुझे मालूम है, तभी मैंने सबसे नजदीक आपको धरना स्थल याद दिला दिया, मैंने कहा यहाँ तक तो जा सकते हो कम से कम, हम तो अगर देखिए यहाँ तो जा सकते हो, हम आगे तक भी जा सकते हैं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है प्रीतम सिंह जी के कार्यकाल में संगठन में कितना आप लोग सक्रिय थे, मुझे सब मालूम है, मुझे इतना बताओ, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हो, सबूत है नहीं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर सबूत चाहिए तो धरने पर बैठ जाओ। अरे मान्यवर, अभी तो आपके न्यू अभी आपने रिपोर्ट दिखाई उसमें जिन्होंने रेड जैकेट पहनी है वो खुद बोल रहे हैं कि ये बियर फैक्ट्री भी एक रोजगार है, मतलब मेरे कंधे पर बंदूक चलाओगे, मेरे कंधे पर बंदूक चलाओगे, मेरा देहरादून आना भी बंद करवा दो, मेरे कंधे पर बंदूक चलाओगे, इसके अलावा क्या घोषणा करेंगे हम? अगर आरसी रस्तोगी जी के नाम पे लाइसेंस हो जाता है तो क्या फैक्ट्री पे क्या फैक्ट्री नहीं खुलेगी क्या वहाँ? नहीं राजू जी, राजू जी ये मैं फिर समझ लूंगा, जैसे केजरीवाल जी सियासत करते दिल्ली में करते थे हिट एंड रन, वो कहते थे कि ये चोर, फिर कहते थे वो सबसे बड़ा चोर, वो कहते थे उससे भी बड़ा चोर, और फिर कोर्ट में जाते थे कहते थे आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो कान पकड़ के, मैं नहीं बोलूंगा ना बाबा ना। अब फिर यहाँ पर राजू मौर्य भी वही काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी, इन्होंने वहां शराब की दुकान खोल दी, इन्होंने वहां शराब की दुकान खोल दी, खटीमा में इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और फिर एंड में बोलेंगे ना बाबा ना आई एम सॉरी, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए मैं आपके राष्ट्रीय चैनल पर एक बार पुनः अपनी बात को रिपीट करता हूं, और ये मैं गूगल पर सर्च करके भी देख ले, अभी भी उसकी फैक्ट्री का एड्रेस आ जाएगा, हिल टॉप
जो ब्रांड है वो कहां बनती है, उत्तराखंड के किस पार्ट में बनती है। अमनदीप जी नाराज हो जाएंगे, नाम मत लो। मैं कोई बात नहीं, मैं तो डेनिश का भी नाम ले लूंगा, मुझे कोई परहेज नहीं है। डेनिश इन्होंने चलाई, हिलटॉप ये चला रहे हैं, ये दोनों पार्टियां मिलकर के एक नई नई उत्तराखंड की ब्रांड ला रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बार बार दावे के साथ कह रहा हूँ, ये फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगी और शुरुआत कांग्रेस के टाइम पे हुई थी। मुझे अच्छे से याद है 2016 में महापंचायत हुई थी डटवा बंडाली में, मैं उसका पार्ट था और हमने आपके सामने अमनदीप ने कहा हम धरने पर बैठेंगे। यूथ कांग्रेस वाले ये भागते नहीं है, मैं जानता हूं। अगर बैठ गए ये गांधी पार्क के बाहर भी धरने पर बैठ गए, ये कह सकते हैं कि मैं गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठ जाऊंगा, जगह नहीं है लेकिन फिर भी बैठ जाऊंगा। कि सच्चाई क्या है सीमा जी को बताना पड़ेगा। अब बताइए, अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए ये बैठेंगे तो हरीश राव जी कहेंगे चुपचाप तुम बैठो मत, कमरे में बैठ जाओ, वरना फिर मेरी डेनिस का मामला उठ जाएगा, तो दिक्कत फिर यहाँ भी आ जाएगी। इसीलिए ये बैठेंगे नहीं, ये बैठेंगे नहीं क्योंकि डेनिस आ जाएगी बीच पर। देखिए आम आदमी पार्टी का कहना स्पष्ट है, आप ज्यादा लंबा चौड़ा समय बचा नहीं है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो भी देव स्थली हमारी है, जहाँ हमारे मंदिर है, मठ है, उनके आसपास जो फैक्ट्रियां भाजपा ने लगाई है, वो सारी फैक्ट्रियां बंद की जाएंगी। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, डडवा भंडाली की फैक्ट्री ये बंद होगी आम आदमी पार्टी की सरकार में, और कुमा वाला में भी जो शराब फैक्ट्री है ये भी बंद होगी, ये दोनों फैक्ट्रियां बंद होंगी। सीमा जी आप देखिए, वो कह रहे कि हमारा शासन काल आया तो हम इनकी फैक्ट्रियां बंद करवा देंगे। अमनदीप जी कह रहे हैं ये इनको वापस लेने पड़ेंगे शब्द, पता है अमनदीप जी को वापस लेने पड़ेंगे। जो बात राजू जी ने कही वो हो सकता है, बड़े नेता बोल दे ना बाबा ना मत बैठना धरने पर, ये बीजेपी है, एक और इत्र खुल जाएगा यहां पर भी, जैसे यूपी में खुला। वैसे भी वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं इत्र की फैक्ट्री है। अब बताइए एक इत्र वहां चल रहा है यूपी में, एक इत्र यहां भी चल रहा है। बच्चों को रोजगार से तो मिले, जोड़ना पड़ेगा ना बच्चों को। हाँ रोजगार से, शराब से रोजगार मिलेगा, वाह। मैं शराब फैक्ट्री से रोजगार देंगे आप, चावला जी शराब फैक्ट्री से रोजगार देंगे, खुल रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर रोजगार की बात है। तो पहले उद्योग बता दिया उसको, शराब फैक्ट्री उद्योग इत्र की फैक्ट्री तो रोजगार हुई। चावला जी एक बात याद दिलाता हूँ आपको जी, 2017 में जब सरकार आई तो इन्होंने कहा कि हम ये जो है वाटर बॉटलिंग प्लांट लगा रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बोली हम सोडे का बॉटलिंग प्लांट लगा रहे हैं, और निकल के क्या आया, वहां पर शराब की फैक्ट्री लगा दी गई। अभी ये इत्र बोल रहे हैं, ये इत्र कब शराब में बदल जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा, वहां पर शराब फैक्ट्री का बोर्ड होगा, अभी इत्र बोल रहे हैं, शुरुआत है अभी तो। सीमा जी आप अपनी बात करिए, ऐसा जब मैं कमीशन में थी दिल्ली से, इनके मेरे पास कितने लेटर्स आए थे कि दिल्ली की सुनवाई नहीं होती, और वहां पर हर मोहल्ले में स्कूलों के पास शराब की दुकानें हैं, और ये बंद नहीं करा पाए। कोई बात नहीं, आप लोगों की दीवी योगी बंद करा दी हमने, अंदर अपने अंदर तो झांक के देख लो कि कितना गंदगी बची पड़ी है। मैं कह तो रहा हूँ ना, ये आपकी देन रही है, बहुत सारी दिल्ली में बहुत सारी चीज ठीक की है, इसको भी ठीक कर लेंगे। आपने बहुत सारे खराब स्कूल छोड़े थे वो ठीक किए हमने, आपने अस्पताल खराब छोड़े थे वो ठीक किए, इसे भी ठीक कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कुछ करा ही नहीं, अस्पताल की क्या बातें कर रहे हो आपने, कोई बात नहीं, ये तो दिल्ली की जनता बताएगी, ये तो चुनाव में दिल्ली जनता बताती है आपको, हर बार बताती है। अमित शाह जी पर्चे लेके बांट रहे थे, अमित शाह जी जनता ने जवाब दे दिया आपको, वहां पे चिंता मत कीजिए, यहाँ भी जवाब मिलेगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, एक ही महीना है, सब्र कीजिए मेरी बहन, सब्र कीजिए। जनता जनता का तीन बार जनादेश, तीन बार हमारे सर आंखों पे, अमनदीप जी राजू जी आप लोग इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर वो खटीमा में एक बियर की फैक्ट्री लगा रहा है उद्योगपति, तो इसमें गलत क्या है? वो कह रहे रोजगार मिलेगा लोगों को, गलत क्या है इसमें? मैं एक बात मैं बोलता हूं मान्यवर, देवभूमि की एक पहचान है, उस पहचान को धूमिल कर रही है ये चीज, और कुछ नहीं है। नहीं मतलब खटीमा में बियर फैक्ट्री लगेगी तो आपको दिक्कत है, क्योंकि खटीमा विधानसभा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसको अपनी उपलब्धि बना के उनके बीजेपी नेता बता रहे हैं तो आपको इसमें समस्या है? नहीं हमें समस्या नहीं है, अगर ये उपलब्धि बताते हैं और जनता इनको वोट देती है उस उपलब्धि पे, हमें खुशी होगी।
अगर जनता ये बताए कि हाँ ये उपलब्धि है हमारी, हमने डडवा भंडाली में फैक्ट्री लगाई, अब हम खटीमा में लगाने जा रहे हैं। राजू महाराज जी, राजू जी आप देखिए डोईवाला से पार्टी के चेहरे भी हैं, मैं सही हूँ जी? आप संगठन में भी एक कद रखते हैं, एक वजूद है आपका, और मुझे मालूम चला है कि आम आदमी पार्टी का संगठन ठीक ठाक है खटीमा में। खटीमा में जी, आप अपने कार्यकर्ताओं से इनपुट लीजिए जी, जिन उद्योगपति का नाम लिया जा रहा है उसके बारे में पता करिए, उस लोकेशन पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से बोलिए कि वाकई में ये बियर की फैक्ट्री खुल रही है नहीं खुल रही, उसकी सूचना लीजिए। अगर सबूत मिल जाए आपको, कल परसों तरसों जब आप चाहे, तारीख आपकी, जगह आपकी, वक्त आपका, दिन आपका, उस दिन चर्चा करेंगे इस पर। बोलिए स्वीकार है? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से एक बात और बोल देता हूं। स्वीकार है? मैं इस बिल्कुल स्वीकार है, और मैं एक चीज बोल रहा हूं, अगर हमने अभी देखते हैं, पता लगवाते हैं, अगर वहां कोई भी वास्तविकता निकली, इतनी सी भी निकली, तो सीएम साहब के गेट पे नहीं बैठ गया धरने पर, तो मैं भी राजू मौर्य नहीं हूं, सीएम साहब के गेट पे बैठो के धरना दूंगा। अगर इस 27 में इतनी सी भी निकल गई, अगर इनकी कोशिश रही एक नई शराब फैक्ट्री लगाने की, बियर की फैक्ट्री लगाने की, और ये साबित हो गया इतना साबित, इसकी मैं करवाता हूँ पड़ताल, मैं सीएम के गेट के आगे नहीं बैठा तो मैं भी राजू मौर्य नहीं। सीएम के गेट के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे? बिल्कुल, गेट पे, असली गेट पे बोल रहा हूं। गांधी पार्क तो बैठ नहीं पा रहे, ये गांधी पार्क तो बैठ नहीं सकते, आप बैठेंगे सीएम के घर के बाहर? मैं सीएम के घर के बाहर रास्ता कहां रुकता है मुझे मालूम है, गणेश जोशी के कैबिनेट आवास के बाहर से नहीं जा सकते आप। मैं पहले ही बैठ चुका हूं। अमनदीप जी, बहुत बड़ी बात कर दी राजू जी ने, कहा मैं अपने संगठन से पता लगाऊंगा, सबूत लेकर आऊंगा, धरने पर बैठ जाऊंगा। आप बताओ, बोलो अमनदीप जी, अगर सच्चाई हुई तो? बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सच्चाई हुई तो यूथ कांग्रेस भी इस पूरे उस पे, मैं भी खुद बोलता हूं कि बिल्कुल हमारा पूरा संगठन इस चीज के खिलाफ। हरीश रावत से तो पूछ लो, कल को यूथ कांग्रेस में नहीं रहोगे? कोई दिक्कत नहीं है, हरीश रावत जी से पूछ लो। नहीं ऐसा नहीं है, यूथ कांग्रेस में भी रहेंगे, यूथ कांग्रेस में भी रहेंगे। देखिए प्रदेश में जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ खड़ी होती है यूथ कांग्रेस, और कार्य अगर भाजपा सरकार अपने विकास के कार्य, पहले गणेश गोदयाल जी से पूछ लो भाई, बहुत लंबी राजनीति करनी है। अरे उन्हीं के मान्यवर, उन्हीं के अध्यक्षता में, उन्हीं के अध्यक्षता में बैठेंगे, और बताइए मान्यवर की अध्यक्षता में बैठेंगे मान्यवर, एक बार दोबारा से दोहरा दूं, अध्यक्षता में सीमा जी, सीमा जी क्या करते हैं ये जो सबसे ज्यादा फोटो वायरल होती है सबको पता है, चुनाव में दारू बंटवाते ये अमनदीप। अच्छा ये प्रूफ कर दीजिए, हम दारू बंटवाते हैं, देख लीजिएगा, अभी देखते हैं चुनाव में। अब मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूँ, आप प्रूफ करिए, एक सेकंड मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप प्रूफ कर सकते हैं ना वो प्रूफ कर सकते हैं, अगर वो प्रूफ कर पाते तो वो हरदा ब्रांड को लेकर प्रूफ नहीं करते क्या जो आरोप लगाए गए। मैं एक बात कह रहा हूँ सीमा जी, राजू जी कह रहे हैं कि मैं धरने पर बैठ जाऊंगा, वो भी मुख्यमंत्री के आवास के बाद, अमनदीप जी कह रहे हैं मेरे को उस पर शक है, संदेह है, मेरे को संदेह है। अब राजू जी शायद कर सकते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अमनदीप की बातों पर मुझे इसलिए संदेह है क्योंकि ये गांधी पार्क के बाहर भी धरने पर नहीं बैठ सकते, मैं तो कांग्रेस संगठन को जानता हूं ना, बिल्कुल बैठ सकते हैं, ये मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं रहने तो नहीं अमनदीप जी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, कर सकते तो करके दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कहा ना पहले परमिशन ले लेना गणेश गोलदाल से, दूसरी परमिशन ले लेना प्रीतम सिंह से, और तीसरी आपको बोला है मैंने, आज उनकी अध्यक्षता में बैठेंगे, चलिए अध्यक्षता में बैठेंगे। फाइनल कमेंट सीमा जी, बिल्कुल सीमा जी, ये तो मोर्चा खोल के बैठ गया, बताओ फाइनल कमेंट आपका। फाइनल कमेंट ये है कि बिना सोचे समझे सच्चाई को जाने जी, फालतू के ब्लेम्स लगाना बंद करिए, विकास की राजनीति करिए। मैं भी यही कह रहा हूँ, आगे चुनाव मैं आपके साथ हूँ, इनका मुंह बंद करिए, शासकीय प्रवक्ता को बोलिए कि ये सब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पर, ये लोग क्या नहीं कर सकते, रुको एक मिनट,
एक मिनट रुको, अभी एक मिनट रुको सीमा जी, मैं एक मिनट, अमनदीप जी आप तैयारी करो कल धरने पर बैठने की, इतनी बड़ी बात बोल दी यहाँ पर, रुको एक सेकंड, रुक जाओ एक सेकंड, मैं देखता हूँ मंडे तक का टाइम देता हूँ, देख लेता हूँ। सीमा जी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी पर, एक तो या तो शासकीय प्रवक्ता या प्रदेश अध्यक्ष जी को इस पर क्लियरेंस दे दें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है, क्या ऐसा संभव हो सकता है? हो सकता है, हो जाएगा मैडम, आप लोग के माध्यम से ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं आप करवा देंगे ना, आवाज नहीं आई सीमा मैडम, मेरा पीसीआर सही होगी, परेशान हो रहे, कह रहे आज सीमा मैडम की आवाज क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ, मैं तो इतनी जोरों से चिल्ला रही थी, अभी आवाज तो आ रही है। चलिए मैडम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जो सुनना, राजू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमनदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन यहाँ पर आरोप जो लगाए गए हैं वो आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या रुख रहता है अब देखना ये दिलचस्प होगा, लेकिन आरोपों की सियासत उत्तराखंड में होती रही है, लेकिन ये आरोप बेहद गंभीर है, इसलिए हम चाहते हैं कि आरोपों की सच्चाई खुद सामने आए और खुद सरकार की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर सफाई दी जाए, क्योंकि चेहरा सीएम साहब का है और मसला सीएम साहब की विधानसभा का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।